क्या बेटा? चलो बच्चे बच्चे लोग थोड़ा दूर रहो। लंडी तेरा काम बच्चे लोग थोड़ा दूर रहो। अरे बेटा मैंने तेरा हाथ तोड़े ला और किसी को बचा ना तेरी टांग दोनों घूमा। लंडी खोल दो। इले चल बच्चे। इधर क्या देख रहा है? नोटबुक निकाल। बेटा कमल, तुम्हारा होमवर्क कौन करता है? मां। खाना कौन खिलाता है? मां। और धोता कौन है? शक्तिमान मिंटू, फैसला तुम्हारे ऊपर है। कमल का होमवर्क कौन करेगा और धोएगा कौन? ये लो, कर लो फैसला। अभी सुनिए, एक मिनट। इतना भाग दे तो उसे मगा क्यों? अबे वो तो मैं तेरी मुंह को उतारने गया था। लेकिन नहीं उसको टाइम प्लीज। अबे यार मैं डर गया था, मुझे लगा तू तो गया। अच्छा ठीक है, आज तो तुम लोग मेरा होमवर्क करना। ठीक, होमवर्क करने से अच्छा धोना। ठीक है, तू तो धोएगा ना, होमवर्क करेंगे। ले चल बाबला का, वाले आ जाऊंगा। ले ले बाबला का। आराम से साफ़ होगा। कल मैं सवेरे 8:30 बजे आऊंगा। ठीक।
आ जाओ। संध्या जी सर, सुमिता के लिए वोटर आईडी बनवानी है जी सर। उसके लिए एनओसी चाहिए, तो अपने पापा से बात कर लोगी जी सर? पापा 9:30 बजे तक घर पे ही रहते हैं, तो उससे पहले आप कभी भी आ जाइए। आज दिन कौन सा है सर? बुधवार। अच्छा बुधवार। Just beats the one man, the other has to give up. Not got enough on it to get to the boundary, but... देखा, मुझे तो पहले ही शक हो गया था इन दोनों पर। जरूर कुछ सोचनी चाहिए होगी, तभी तो दोनों पुलिस वैन में है। लड़की का पुलिस में डाल दे होगा सालों को जेल में। वाह क्या कमाल की लड़की है, अपने से दुगनी उम्र वाले के साथ घूमती है। यहाँ से कोई और नहीं मिला क्या? बस कालू ही मिला। और एक तू है, हल्के धोना सीखा नहीं, चला है प्यार करने। अकेले पन का संतुलन बने रहना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है तू? मिंटू यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? कमल अपनी बुक को भूल गया था। जाओ ले लो। ले जाओ, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। सब बोल दूँ और मुझे सब पता है, तुझे अपनी झूठी कहानी खुलने का डर है। मुझे मेरी कहानी की परवाह नहीं है, मैं तो सभी तेरी दोस्ती के लिए कर रहा हूँ। वैसे भी अगर अभी कहेगा तो धोते वापस मेरे पास आएगा, और अगर मेरे काम आनेगा तो संध्या के साथ जाएगा। ये क्या कर रहा है तू? मैं मनबुद्धि में तेरे लिए तो कर रहा हूँ। देख, जैसे वो ट्यूशन से बाहर आएगी तो उसका चप्पल ढूंढने लगना और साथ साथ दिल की बात कर देना। ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व करो। हाँ सुबह आए थे तुम लोग मिंटू और कमल? जी हाँ, इसकी नोटबुक लेने आए थे। हार्ट टूटा, दिमाग नहीं टूटा। दिमाग तो अभी भी चल रहा है ना। नोटबुक निकालो। हाँ सर, ए माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। वेरी गुड। ए टू प्लस बी टू प्लस टू। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है, 0/सन्नाटा? शक्तिमान बैठो। ये क्या है, क्या काम किया है? कुछ भी नहीं। इस बार अगर इम्तिहान में फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। चलो सवाल का जवाब दो। 8+(18/6-2) बताओ।
शक्तिमान बैठो, तू बता बेटा शक्तिमान। नो नाइन। हाँ ये देखो, सीखो इससे। जिंदगी भर एक जैसे ही कपड़े पहनता आया, सड़ गए, बदबू मार रही है, लेकिन देखो दिमाग देखो आज भी फ्रेश है। कान पकड़ो, चलो सर जाओ। मैं क्या? वेरी गुड शक्तिमान। आपने कोड़ा बोला जमीन। हाँ जमीन जमीन। हाँ जिम्मेवारी जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी जमींदारी नहीं। लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई छोटी चम्मच राई। अबे इस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि ये घर पर सोच पा रही है। अला वो चालू है, देख सुंदर कर, देख रहा देख तो देख ना, देख 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 जीप जीप बाहर निकाला किस साले ने। चूनर कैसे बात कर रहा, देख उसे, अबे देख ना, देखो देख सुंदर कैसा सर ये देख। मेरी चप्पल देखी क्या? पता नहीं इधर ही देख। शाम सर चप्पल नहीं मिल रही। अरे धूप में निकलाना करो, रूप की रानी, अरे गोरा रंग का लाना पड़ता है। बेटा शक्तिमान ही धराओ। बेटा मैं डांस टीचर हूँ। हैं हाँ सर, चलो चप्पल ढूंढवाओ। अरे बाहर हो क्या रहा है, कितनी आवाज आ रही है? नहीं कहीं देखो होगी। हाँ नहीं मैंने एक लड़के को दिखा था, देखा था रघुवन, उधर एक लड़का भागा था ना, उधर उधर ये लो। ये क्या कर रहे हो? पहन लो। तो तुम क्या पहनोगे? मैं मिंटू की पहनूंगा। अरे रुको मत, चलते रहो। मिंटू क्या पहनेगा? वो आगे निकल गया होगा। मैं जब पहन के घूमेगी। ये बहुत बढ़िया है, ये लो। सब चले गए हैं, पता नहीं किसने क्या होगा। ये कोहेगा बेबू गधा, और कुछ काम नहीं आएगा। संध्या ये लो। जी सर। ये लो, मिल गए क्या? नहीं सर। तो ये पहन लो, ये पहन लो, आ जाओ। अब कुछ कॉलोनी में रहती हूँ ना। हाँ तुम्हें कैसे पता? लो ये पहन लो, पहन लो। सर मिल गई सर। अरे वो लोकल कंपनी होगी सर। मिल गई। अच्छा काम सर, थैंक यू। आप कहीं जा रहे हो? हाँ। कब तक आओगे? कल सुबह कोर्ट में पेश किए, शाम को निकलूंगा तो रात तक पहुंच जाऊंगा। और इन केस अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दूंगा, चिंता मत करना, लाइट लगाऊंगा।
संध्या दिखाओ कितना गहरा है। लाओ मुझे तो। जल रहा है। कोई नहीं ठीक हो जाएगा। चोट कैसे लगी? जनरेटर ऑन करने बाहर गई थी तो गिर गई। घर पे कोई था नहीं, डर लग रहा था, किसी को जानते भी नहीं हो तो सोचा यहीं पे आ जाऊं। पर पापा ने फोन किया और घर पे किसी ने फोन नहीं उठाया तो? पापा ने बोला कि यहीं पर आ जाओ। पापा ने बोला? हाँ चल रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। चलो उठो सो जाते। सॉरी आपको तकलीफ हुई। तकलीफ नहीं नहीं कुछ नहीं। जाओ ठीक है, पानी रखा है पी लेना। ठीक है ठीक। उठी हुई हो? तो चादर डाल लो, आराम से सो जाओ। ठंड लगेगी। उसको मारा तो नहीं होगा ना? अबे अगर मैं संजय का बाप होता ना
तुम उस कलियों को जरूर मारता। तू उल्टा क्यों सोचता है? तू बीमार भी हो सकती है ना। अबे तू अपनी अकल लगा, अगर बीमार होती तो कलवा क्यों नहीं आया? दोनों साथ साथ बीमार हो गए क्या? चल जाकर देखते हैं। अबे कमल यहाँ तक लेकर तो आ गया, मगर उसका घर कौन सा है? तेरे बात में कितनी सच्चाई यार। बहुत ज्यादा। मैं स्कूल जा रहा हूँ, ट्यूशन पे मिलते हैं। याद है तूने कहा था जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को बिना कपड़े में देख लिए तो उसकी शादी हो जाती है? तो तूने उसे बिना कपड़े में देख लिया? अबे अब तो तेरी शादी पक्की, अब तो तेरी बीवी है। पर तूने तो कहा था कि जब तो एक दूसरे को देख नहीं लेते, मगर तुमने मुझे देखा तो होगा ना? अबे वो तो मैंने भी देखा है, तेरी माँ ने भी देखा है। वो देखना देखना नहीं होता। देखना मतलब पूरा देखना। अब तो एक ही रास्ता है तेरे प्यार पाने का, तुझे उसके सामने बिना कपड़ों के जाना होगा। कुछ करना मिंटू। अब तो मुझे कुछ करना होगा। शेक्सपियर ने कहा है, द गॉड ऑफ लव इज ब्लाइंड, ही सीज फ्रॉम द हार्ट नॉट माइंड। सामू तुझे मारेगा। In the life, you should let money run after you, not you after money. क्या बे पूरे मोहल्ले का साफ करके ले आया क्या? ट्यूशन फीस है। साइड में जा, चल। इसने भर लिया पूरा पैसा, भर लिया इसने। पैसे वापस दो। भाई शक्तिमान तू पकड़ अपने कान। अरे क्या लगा रखा है, चल चाय बना के ला। चल हटाओ, किताब निकालो, चलो। अरे यार शाम का मतलब क्या? अबे संध्या ये चुप, बहुत जबान चलती है तेरी। कल मिले फिर 12 13 14 15 16 निकालो निकालो। अबे कल का प्लान तो कल्लू ने बिगाड़ दिया।
मगर इस बार नहीं। कमल तो सुन रहा है ना? कहाँ गया? और पति देव कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है। किसी दिन बुलाओ, खाने पे बुलाओ। हैं? पति देव कुछ तो नहीं बोले? खाना वाना खा लिया था? खाया था पेट भर के। एक मिनट लग जाएगा पागल। उतार और जा। पागल। आजा आजा। साइकिल देख, साइकिल देख, साइकिल देख। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अबे ये नहीं। निकाल दे, फोन निकाल दे। हवा निकाल, हवा हवा किसने निकाल दिया? हवा भर, हवा भर, मुर्गा बन, मुर्गा बन, मुर्गा बन, मुर्गा मुर्गा बन, मुर्गा बन। ट्यूशन में आ तू। रे तेरी सोगिन सो। पक गई हूँ। पानी नहीं है? पानी जल्दी चल, जल्दी चल। अरे भागो, भागो। अरे अर्चना, मूड ठीक नहीं है क्या? आपने मुझसे झूठ बोला। आपने कहा कि आपका और मिस का कोई संबंध नहीं है। ये संबंध मन की बातों में तुम क्यों पढ़ रही हो? ये बड़ी बातें हैं, तुम्हारे समझ में आएंगी। ठीक है, देख देख छोटों के साथ ही रहूंगी। बड़ों की बकवास सुनने से तो बेहतर ही है ना। आप तो वैसे ही झूठ बोलते हो। पापा के पास तो टाइम है नहीं, और मम्मी तो वैसे भी छोड़ के जा चुकी है। तुम्हारे मम्मी पापा की क्या टेंशन रही हो, तुम्हें बता नहीं सकता। वैसे तुम तो इतनी प्यारी हो, पता नहीं क्यों छोड़ के चली गई मम्मी। मैं तो मम्मी हूं नहीं। तो पापा हो? ना पापा भी। तो कौन हो? क्या हुआ, खाना अच्छा है मेरा? नहीं अच्छा है। आपकी ट्रिप कैसी थी? कोर्ट कचहरी का चक्कर है, 24 को फिर जाना पड़ेगा। क्या हुआ? बस पेट भर गया। मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली है, अगले साल हम शहर निकल जाएंगे। अगर तुम 10वीं यहां से करोगी तो कॉलेज में एडमिशन लेना आसान होगा। बस खाना नहीं खाया है उसने। नहीं, मेरा दोपहर में थोड़ा सा काम है, तो उसके बाद नहीं मुझे ऐसे। तुम्हारे पापा के कपड़े, डर लगता है भाई। आगे तो वहां अंदर मेरा कमरा। तुम ऐसे कपड़े पहनते हो? पापा ला। तुम तो बहुत गोरी हो। ये तुम्हारे वाले कपड़े? लूना देख कर भी पानी लाओ ना।
पूरा वो लेकर आओ ना बाल्टी पूरी बाल्टी भारी है क्या था ये फायरिंग रेंज है रोज होता है बंदूक अच्छा अच्छा मुझे लगा कि पता नहीं इसमें से कुछ ये तो ठीक है बिल्कुल बस थोड़ी सी हवा हवा नहीं है इसमें कचरा टक जाता है चली नहीं थी ना ये अब चलेगी हाँ आराम से चलेगी सही है तो अरे ये क्या कर रही हो जेल भिजवाओगी क्या हैं आपकी हो चोरी के इल्जाम में नहीं नहीं आपने ठीक किया बाप चला पता है पापा क्या कह रहे थे क्या पापा कह रहे थे कि 10वीं के लिए शहर जाएंगे ये तो सही है पिताजी अपनी बच्ची के बारे में सोच रहे हैं इसमें बुराई क्या बस पिताजी की पड़ी आपको और मेरी आपको पता है इसका मतलब क्या है क्या मैं शहर चली जाऊंगी शहर हाँ तो मैं लूना लेके आ जाऊंगा शहर पर आपको तो हमेशा मजाक ही सोचता है यार तुम मुझे सर क्यों बोलती हो आपकी बीवी के सामने आपको शाम बोलूं हाँ बोल दो हाँ नहीं नहीं हाँ ठीक है अरे चलो अभी जाके उनको बोल के आते हैं शाम नहीं चलो अब चलो नहीं 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 अब तो हाँ बोल देना कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर नहीं मुझे ना तुम्हारी कोई भी स्टूडेंट पसंद नहीं है और सबसे ज्यादा वो संध्या सादे से पहले तो तुम भी हमारी स्टूडेंट थी तभी तो मुझे वो पसंद नहीं है अरे कुछ नहीं बेचारी बाहर से आई है चुप चुप सी वैसे रहती है घर में अकेली है फादर कभी कभी आते हैं बिन माँ की बच्ची है मेरी माँ का नाम क्या है तुम्हारी माँ का नाम हाँ तुम्हारी माँ का नाम मिसेस गढ़वाल पूरा नाम क्या है पूरा नाम बड़ों के नाम नहीं लेते अरे लाइट चली गई एक मिनट कहाँ जा रहे हो वापस आओ भागने की रहती वो मुझे बहुत पसंद करती है वो ना अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती है मैं बोल रही थी शाम सर आपकी शक्ल मुझे बहुत पसंद है सच्ची उसने नहीं बोला कि आपका और उसका रंग कितना अलग अलग है बोले ये रंग तो मुझे बहुत पसंद है रंग की भी बहुत तारीफ कर रहे थे बोले रंग पे अगर थोड़ी सी भरवा भरवा सी मूछें हो जाए ना तो मैं तो पागल हो जाऊंगी उस दिन तो उगा लो मुझे और कर लो शादी फिर मुझे देखना भी मत मजाक कर रहा था मैं खाली दिमाग ना शैतान का होता तो इतनी जोर से क्यों तेरे के कानों को और कौन पसंद करेगा नहीं अभी नहीं मस्ती अब तो तेरे दोनों कठोर ये बात कर ले संदीप ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से शरीर में कमजोरी है ग्लूकोज तो हमने लगा दिया है कुछ अनिमा टेस्ट कराएं कल तक हम शाम तक रिपोर्ट आ जाएंगे नहीं भर्ती हुए क्या हाँ सर तो शाम तक रिपोर्ट आ जाएंगे सर इफ यू डोंट माइंड कैन वी कॉल सर मैं रुजू मैंने अभी तुम्हारे बारे में इससे बात नहीं की है मुझे पहले बात करने दो
बात कहने का टाइम आ गया। किसके लिए? शादी के लिए। मेरी शादी? अरे मेरी शादी और संध्या की शादी यार। संध्या की और तेरी? उससे प्यार करता तो दवा खाने नहीं आता और होगी वीर ना मुझे दे देगा हाथ। किसका? संदेह का। और किसका? मैं मुझे लगा मिलूंगा। बेटा तो ये बच्चा है, तू नहीं समझेगा। ये बड़ों के मतलब की बात है जो रात को रूम के अंदर होती है। यार मुझ में क्या कमी है जो मुझसे नहीं उससे प्यार करती है? तुम मत नहीं है तेरे में समझा बेटा। अस्पताल नहीं आए तो नाराज? सुनीता मिस होंगे ना, आप कैसे आते? हाँ मुझे पता है तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाई ना कुछ दिनों से, तो ये लो। ये क्या है? एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर है। मुझे नहीं चाहिए। तो अंदर आने दो। नहीं सर, अभी पापा आने वाले। नहीं सर, पापा भी आने वाले हैं, प्लीज जाइए यहां से। एक मिनट की बात, सुनो तो सही। नहीं नाराज हो क्या? आप प्लीज जाइए यहां से। उसके पापा तो नहीं हुए ना घर पे? वो तो उनकी जीप नहीं होती। लगता घर में कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है यार। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे बात करनी है। क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपका जॉब है तो उस दिन हरा कपड़ा पहन के 4 बजे मिलने का जाना। मैं तो 4 बजे मिलने को कहा था, तो फिर दो जा उठ। तेरा कुछ नहीं हो सकता यार कमल। अच्छा ये बता तूने कपड़े कहाँ सुनाए? अबे बता ना कहाँ सुनाए? अबे बता ना कहाँ सुनाए? तुम्हें संध्या हो ना, बड़ी तारीफ करते हैं तुम्हारी। नीनू आई थी आपको छोड़ने, ये देखकर गई है। कौन है वो? दोस्त है मेरे। हाँ 24 तारीख है ना, आपको कोर्ट जाना होगा आपकी सुनवाई के लिए। नीलू अच्छी है, ख्याल रखेगी तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन सही वक्त नहीं मिला। हम कई सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। स्कूल जा रही हूँ। तुम्हारी सही उम्र का इंतजार कर रहा है संध्या। मैं लूना लेके जा रही हूँ। संध्या, संध्या
कॉपी दिखाओ। स्कूल के बाद इलेक्ट्रिक मिल्स के पास मिलता है। सर को वो होमवर्क वाली नोटबुक देने आई हूँ। रात को ही पढ़ाई याद आती है, कल सवेरे आना। तुमको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा पता नहीं किसी के घर में भी आ जाते हैं आजकल, कोई कुछ है ही नहीं, मतलब पता नहीं माँ बाप क्या सिखाते हैं बच्चों को। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, संध्या आई थी, भगा दिया मैंने उसको। देख लेना ये लड़की ना मुझसे पिट जाएगी एक दिन। पता नहीं पागल हो गई क्या लड़की। अच्छा क्या तुमने? हाँ भाई, पैर हटाओ थोड़ा सा। तो मेरे पे गुस्सा क्यों निकाल लियो? नहीं तुम पर नहीं, मैं उस पर गुस्सा उतार रही हूँ। अच्छा तकिया तो दे दो। आराम से रहा करो, पूरा खून साफ हो गया तुम्हारा। आराम से ही रह रही थी। आज कहाँ मिले? टेंट लगा के आना। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। आ जाओ, लंच कर लो। रुको रुको रुको, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसी में आया था, तुम्हारे लिए आ रहा सकती है। आइंदा से मेरा रास्ता रोका ना तो पापा से बोल के पुलिस में भर्ती करा दूंगी। पर मिंटू ने बताया मुझको जगह बताना ही भूल गया।
अच्छे से लगाओ करा दम लगाओ जोर से करो जोर से जब पापा लगाते हैं ना तो इतनी जोर से करते हैं कि जो कमजोर बाल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं पापा थोड़ा ही अच्छे से नहीं कर रहे हो मालिश करने आया था क्या फिर क्या कर रहा है चल बाद में मिलता हूँ सुड़ी खाना कैसा लगा अस्पताल का खाना खाते खाते थक गई थी ऐसा नहीं लग रहा तुम शर्मा रही हो अच्छे से नहीं आ रही नहीं 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 बहुत ही अच्छा वाकई अच्छा खाना बनाया संध्या कैसी लगी अरे कुछ बोलती नहीं है बोलेगी बहुत बोलेगी अभी शायद बड़ी प्यारी है तुम्हारी कैसी है दादा जी अच्छे से बनते क्या ना हाँ हाँ चल अभी ऐसा आ जाता अबे दोनों आ जाता ना अब एक हाथ ऊपर कर पूरा ऊपर कर हाँ ये हो गया कुछ बात अब टांगे खोल अबे थोड़ी इतनी खोलेगा टांगे अबे तेरे को संध्या शादी करनी है नहीं हाथ ऊपर और टांगे खोल हाँ बिंदास अब हंस मुखोल तेरी शादी तो पक्की है लेकिन ये फोटो धुलवाएगा कहाँ शहर में और कहाँ जब संध्या भी आप फोटो देख लेगी ना तुम्हें हम शादियों को रोक नहीं सकते हैं तू चलेगा शहर नहीं यार अम्मी मारेगी सॉल्वी क्या मिली थी आपसे जरूरी बात करनी थी बात में भी तो कर सकती थी पानी की टंकी के पास आई हाँ 10 मिनट बाद अभी महीना नहीं हुआ मुझे क्या महीना नहीं हुआ यही कहना चाहती थी शहर जाना पड़ेगा मैं नहीं जाऊंगी क्या माधुरी दीक्षित बनने आई हो अनुशासन नहीं है
अनुशासन नहीं है इधर आ शाम सर प्लीज शाम सर चलो इधर इधर माधुरी दीक्षित बनेगी क्या होगा मुझे पता नहीं लेकिन आपने इन दोनों को इतना नहीं मानना चाहिए था बड़ी मुश्किल से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं अगर इन दोनों ने अपने घर पे बता दिया तो मुझे आपको रेस्टिगेट करना पड़ेगा एक काम कीजिए आप कुछ दिनों के लिए स्कूल मत आइए सर थैंक यू सर बेटा साफ कर ले हाँ जाओ आप यहाँ बैठिए हाँ वहाँ बैठ नाम क्या है संध्या संध्या शर्मा उम्र 15 दिन 18 साल ओके क्या प्रॉब्लम है फीमेल वाली प्रॉब्लम है महीना नहीं हुआ लास्ट कब हुआ था पिछले महीने 18 20 नीलू जी फॉर्म देना इनको हाँ जी देखिए दो तरीके होते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के जो भी ठीक हो वो कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए और वापस मेरे पास लाइए तब तक मैं इनका चेकअप करती हूँ आप बाहर बैठ जाइए हाँ जो भी ठीक हो वो कर लीजिए तो ये मेरी साली है इसके जो हस्बैंड है बाहर रहते हैं दिल्ली में जॉब करते हैं तो वो नहीं चाहते कि बच्चा बच्चा हो तो जो भी ठीक सा लगे आप कर लीजिए ठीक है आप बाहर बैठिए कौन लगते हैं आपके जीजा जी देना तो तुम्हारी दीदी क्यों नहीं आई साथ में ऐसे वक्त पे उनको आना चाहिए ना देखो सच बताओ तुम पर कोई दबाव तो नहीं है आईडी कार्ड दिखाना अपना जी मैडम ये मेरे गांव से है एक साल पहले ही शादी हुई अच्छा जानते हो आप जी, जी जी अच्छा ठीक है ठीक है हाँ डॉक्टर साहब अरे देखिए मुझे लगता है उनका सिर्फ पीरियड्स डिले हुआ है आप लंच के बाद एक बार रिपोर्ट्स कंफर्म कर लीजिए
जब भी जरूरत हो तो मुझसे बात कर सकती हो, ठीक है? सुनीता को क्या बोलोगे, कहाँ गए थे? बोलते हैं शहर गए थे साड़ी लेने। साड़ी कहाँ है? सुनीता कहाँ है? सुनीता तो घर पर, साड़ी कहाँ है? अरे क्या, अब डर गया था ना? कौन मैं? मैं क्यों डरता? डरना तो मुझे चाहिए था। पता है वो नर्स कौन थी? कौन थी? नीनू आंटी। नीनू आंटी वालों बताया था। वही थी। नहीं वो तुम्हारे पापा, पापा को नहीं बोले, बोल देगी वो? कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना होता तो अभी तक बोल देती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और कह रहे थे डर नहीं लग रहा? अरे वो कभी काओ काओ क्या हो गया? अरे नहीं बोलेंगे। तुम्हें नहीं लगता डर? प्यार क्या तो डरना है क्या? से चली जाओगे? हाँ। कुछ बात करनी थी। एक आज के बाद हम लोग नहीं मिलेंगे, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट का नाता होता है इतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। और भाई दूसरी बात यह है कि माफी चाहता हूँ, शादीशुदा आदमी हूँ, जिम्मेदार हूँ, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, मतलब आप भी किसी को नहीं बोलोगे, मैं भी किसी नहीं क्यों। बाकी सौ बात की बात यह है कि भाई आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बीजगणित कमजोर है आपका, और मुझे भूल जाओ। ठीक। सुनो सर, हाथ छोड़े हुए दिख रहा है। ये है वो हीरो जो उस दिन संध्या को हॉस्पिटल लेके गया था। हाँ हाँ मैं थी तो वहाँ। तुम्हारा दोस्त है? घर पे। घर पे? और तुम किसके साथ आए? अकेले। अकेले? खाना खाओगे?
थोड़ा सा थोड़ा लो बेटा। मैंने अपनी ट्रांसफर की एप्लीकेशन डाल दी है, शायद 15 दिन में जवाब आ जाएगा। अच्छा। तुम्हारा एग्जाम कब खत्म हो रहे? अभी तो अप्रैल चल रहा है ना, मई तक हो जाना चाहिए ना। खाओ बेटा पनीर खाते रोटी डालो। क्या पियोगे? कोक कोक लेते हैं। मैं पानी की टंकी के पास पानी पी रही थी, शाम सर भी वहीं पे पानी पी रहे थे और फिर वो दो लड़कियां आई और पानी से खेलने लगी तो थोड़ा पानी सर के ऊपर गिर गया। फिर सर ने उनको बुलाया तो वो भाग गई। फिर क्या हुआ? वो घबरा के भागी थी तो वहां पे जो पत्थर थे वो गिर के पत्थर से चोट लग गई। जब तक सर आया तब तो उनके खून निकल रहा था। मैं जाऊं सर? टाइम देखा है तुमने? मिस, वो शाम सर से जरूरी बात करनी थी। कल सवेरे आना, अभी जाओ यहाँ से। पर सुनीता मिस, उठो शर्ट दो, गंदी हो रही है। काम कर अपना, चल पैर उठाओ। फिर ज्यादा जबरदस्ती मत कर। सुनो, मैं सोच रही थी कि डॉक्टर को दिखा दूं। दिखा दे, शादी को इतना समय हो गया, गाँव में बात चल रही है। बच्चा हो जाता तो हमारा परिवार हो जाता, आप में तो कोई खामी होगी नहीं, मुझ में ही होगी। हाँ तो इतनी तनख्वाह नहीं मिलती मुझे कि मैं तीन लोगों को पाल सकूं। ये इसको मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर मिलने पे इनाम मिला। देखो माफ कर दो मुझे, उस लड़की ने मुझे फंसाया है। मैंने इसलिए नहीं बताया कि तू छोड़ के चली जाएगी मुझे, दरअसल शक में तू घर छोड़ के जा रही है। हैं? मैं बताने वाला था सच्ची तुझे, इसलिए नहीं बताया था कि तू कहीं क्या कर रही है ये सब। अच्छा भरना है, ये ले जितने कपड़े भर ले, ठीक है। जा कहाँ रही है तू? हैं? जा कहाँ रही है? क्यों जा रही है? आखिर हो क्या? जरा सी बात के चक्कर में जा रही है, ये क्या मतलब हुआ? हैं? सारी शादी करके लेके आया हूँ, भगा के नहीं लाया हूँ। भूल गई सारी बात? हैं? नाश्ता कराता था तुझे उधार लेके जब पैसा नहीं होता था, ऐसे कैसे छोड़ के चली जाएगी तू? जाना चाहती पैंट पहन लो, चलता हूँ तेरे साथ। जहाँ जाएगी वहां जाऊंगा, नरक में जाएगी नरक में जाऊंगा,
स्वर्ग में जाएगी, स्वर्ग में जाऊंगा। अच्छा सुन, एक मिनट, यहाँ जाके नहीं जाऊंगा तेरे से। हैं, इतना प्यार करता था तुझे, भूल गई सारी बात? हैं, नाश्ता करवाता था उधार ले लेके तेरे से। एक बात सुन, पैंट पहन ले, जहाँ जाएगी मैं जाऊंगा तेरे से। जाना है तुझे, जाना है या चली जा, मेरी लाश पे सुधर के जा, जा चली जा। शर्म नहीं आए है? शर्म नहीं आए तुझे? देख लो, सब लोग क्या देख रहे होंगे, सब लोग देख रहे होंगे। शाम टेकचंद नाम है मेरा, पूरे गांव में इज्जत है, टीचर हूँ, हमारी फैमिली इज्जतदार फैमिली है, समझा करना। लोग पता नहीं कौन कौन लोग देख रहे होंगे, आवाजें सुन रहे होंगे, थोड़ी सी तो शर्म कर है। ऐसा क्या गलती करते, कोई पहाड़ तोड़े? अच्छा सुन, पैंट पहन, एक मिनट रुक, एक बात सुन, अगर आपके चली गई ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, घर में नहीं घुसने दूंगा। ये क्या बखेड़ा बना रखा तूने, हैं? मतलब थोड़े ही है। नमस्ते, कैसे भैया, सब ठीक है? वो जॉन्डिस हो गया इनकी अम्मा को, इसके जा रहे हैं। क्या बात है, गांव में इज्जत है हमारी, समझ में नहीं आता क्या क्या ड्रामा कर रखा है। ट्यूशन के लिए जा रहे, अच्छा नहीं है रे, अब अच्छा नहीं है। मेरी सुनेगा से क्या हुआ है? पता तुझे तेरी वजह से क्या हुआ? सुनीता घर छोड़ के चली गई, कहा था ना दूर रही हो मेरे से।
क्या हरकत करे जब भी पास चलाता हूँ तेरे। पुलिस स्टेशन में झूठ बोलने की जरूरत क्या थी तुझे है? क्या जरूरत थी? सच नहीं बोल सकती थी क्या तू? बता, सच नहीं बोल सकती थी? जो मुझे ठीक लगा मैंने, तुझे ठीक लगा, जो तुझे ठीक लगा वो करेगी तू है? डरता नहीं किसी से मैं, कोई भी ओछा है, कम से कम सच बोल देती, नफरत करने लगता तेरे से मैं, समझी? जो मुझे लगा वो करेगी तू? घाटा से बाहर ही अभी टाटस में बारी चल ठीक है, सॉरी 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 है। एक बात कहूं, तुम्हारे और तुम्हारे पापा की दोनों की चॉइस बहुत बुरी है। बड़ी अकड़ में गई थी, आ गई हराम की जनी।
उनके घर को फैला के रखा हुआ है। पेड़ पे नहीं लगते पैसे, क्या कर रखा है ये सब साथ तूने? हैं? पूरा जगह फैला रखे, आग लगा दे घर में, हैं? क्या है ये सब? क्या चाहती, क्या है तू? बदबू कैसी आ रही है ये टट्टी? खा लो। अब टट्टी भी करना शुरू कर दिया, बीच बाजार में जाके हक दे, हैं? इज्जत बढ़ जाएगी मेरी बहुत। खा लो। बच्ची है तू, तू खा, तेरी आदत खत्म हो जाएगी हकने की। ये फोटो लो और भागो यहाँ से। चलो भागो। ये तो वहां कब खींचा था ये? क्या हुआ ये टुकी? अरे कुछ नहीं, वो लूना से गिर गई थी। जाओ बेटा ध्यान से जाओ। तो सवाल यह था कि समानांतर ABCD चतुर्भुज बनाइए जिसका AB। टेप चमड़ी है, कैसे लगी? अरे छोड़ा, साइकिल से गिर गया था। AB 6 सेंटीमीटर हो, BC 4 सेंटीमीटर और ABCD कितना होगा? अरे ऊपर रखो इसको। तो सवाल पर जवाब ही नहीं देगा सवाल किसी बच्चे से। He was tapping at the little switch in his hand, trying to find. पहले ये पिलो, फिर पढ़ना। ठंडी हो जाएगी। How so often his eyes would shut in. क्या है? कर। और है कोई? अरे इसको ठीक से करो। अरे रखो साला, कांच का सामान है इसमें। मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। पापा को काम से फुर्सत नहीं थी और अपने अकेलेपन से जूझते जूझते मैं बड़ी हुई। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़का आया। लग रहा था कि वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे संभाल के रखेगा। नहीं, वो भी छोड़ के चला गया। उसके जाने के बाद मैं डिप्रेशन में आ गई। एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ, गोलियों से नींद बहुत आती थी और जागो तो भूख बहुत लगती थी। बस यही चक्कर में मैं मोटी हो गई। शायद अच्छे से पढ़ लिख लिया होता तो मैं भी आज डॉक्टर होती। है चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं आपको हक कर सकती।
मेरे से किस हुई तो इन भड़दंगे पे घूम रही है, तेरी क्या राय है? अब तो बता दे तेरा शक किस पे? चप्पल भी नहीं मिल रही, वो ब्लू वाली नई शर्ट भी पता नहीं कहाँ गई। तुमने दबंग देखी है? रुक, 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 रु